Cheshta is normally very friendly, बहुत ज़्यादा friendly है. But when it comes to you know connection making या वो love approach आता है ना, तो थोड़ा refrain करती है, फिर वो नहीं खुलती है. In fact, but Cheshta का तो मतलब completely नहीं है. हाँ, अच्छा Cheshta. नहीं, easy नहीं है. हम सभी ने हमारी लाइफ में बॉनफायर कभी ना कभी तो किया ही है. बॉनफायर एक ऐसी जगह जहां हम एक दूसरे से मेमोरीज शेयर करते हैं, अपने डीप सीक्रेट्स रिवील करते हैं. पता तो नहीं हुआ या यू नो उन्होंने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा. सो एज सून एज आई एंटर्ड, तो उनको पता तो था कि एक हफ्ता हो चुका है, तो यू नो ये यही बताने आया होगा. एक एंग्जाइटी थी, एक थोड़ा सा डर था दोनों तरफ. धड़कने बढ़ चुकी है और आई होप आप यहाँ से खुश निकले, सैटिस्फाइड निकले एंड विदाउट एनी रिग्रेट्स. निशांक, अच्छा लग रहा है मुझे. वैसे भी सबसे मिलना, नए जनों से मिलना, बात करना अच्छा लगता है. बट अभी तक आई थिंक मुझे, मैं चेतना को नहीं भूल पा रहा हूँ. मैंने बहुत ट्राई किया कि करूँ, मैं कमिटेड रहूँ इस प्रोसेस से, बट समहाउ माइंड में है वो. निशांक, पहले आप याद दिलाइए कि आप यहाँ क्यों आए थे. सो बेसिकली चेतना को मेरा लड़कियों से कहीं जाता हूँ, अगर मैं उनको ज़्यादा सर्व करता हूँ या ड्रिंक उसे थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करता हूँ, तो उसको वो सब चीज़ें थोड़ी पसंद नहीं आती हैं. कुछ डाउट्स हैं कि उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर वो मुझे कहीं अकेले छोड़ देगी तो मैं कुछ टेम्प्ट हो जाऊंगा या कुछ ऐसी चीज़ है. क्योंकि मैंने उसको कई बार बोला है जस्ट अ जेस्चर टुवर्ड्स वुमेन, मेरा है ऐसा कि मैं आई डू केयर. लेकिन अब आप 8 टेम्प्टर्स के बीच में रह रहे हो, क्या लगता है आपको? मैं कमिटेड हूँ ऑब्वियसली इस प्रोसेस से जहाँ. और जो है उसमें फ़र्क क्या है? करेक्ट है, मुझे इसी चीज का तो डर है, जल्दी में ये है. फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो उसके बाद फर्स्ट टाइम मैंने पकड़ा था, सेकंड टाइम उसने खुद कन्फेस किया था. आपने कैसे पकड़ा? लाइक रेड हैंड. ही लाइड टू मी दैट ही इज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड.